हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ऑटोकैड का एक 3D पॉलीलाइन आपके पास है तो उसको कैसे 2D पॉलीलाइन या पॉलीलाइन में कन्वर्ट किया जाए। तो काफ़ी टाइम में ज़रूरत पड़ता है कि 3D पॉली को आपको कन्वर्ट करना है 2D पॉलीलाइन में। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक 3D पॉलीलाइन है, तो इसको अगर सिलेक्ट करूँ और इसका प्रॉपर्टीज़ में अभी ये बोल रहा है 3D पॉलीलाइन, और यहाँ पे इसका वर्टेक्स हार्ड वर्टेक्स में इसका एलिवेशन है। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट हर वर्टेक्स आपको दिखाऊं तो हर वर्टेक्स में आपको एलिवेशन नजर आएगी। तो इसको कन्वर्ट करने का जो सिंपलेस्ट उपाय है वो है कि आपको सबसे पहले इसको एक्सप्लोर करना है, मतलब ए 3D पॉली को तोड़ के लाइन में कन्वर्ट करना है। तो एक्सप्लोर करने के कमांड है एक्स, एक्स एंटर करेंगे और इसके बाद आपका पॉली लाइन को सिलेक्ट कीजिए, 3D पॉली जो है उसको आप एंटर कीजिए। तो ये देखिए, आपका छोटा छोटा लाइन में कन्वर्ट हो गया है, मतलब एक टोड़ दिया है। तो अब अगर आप एक प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो हर लाइन के स्टार्टिंग एक्स है, स्टार्टिंग जेड है और उसके बाद एंडिंग जेड है, मतलब हर लाइन में एलिवेशन अभी भी मौजूद है इसमें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे लाइन को आप सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपका 14 लाइन बोल रहा है और उसमें जो स्टार्ट जेड बता रहा है वेरियस, मतलब हर लाइन का तो स्टार्ट जेड अलग अलग एलिवेशन है इसलिए वेरियस बोल रहा है। आपको इस जगह पे क्लिक करना है और यहाँ पे 0 पुट करके एंटर कीजिए, मतलब हर लाइन का स्टार्ट जेड 0 हो गया। एग्जैक्टली आपको एंड जेड में भी उसका 0 करना है, तो एंड जेड में भी 0 किया उसके बाद एंटर। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हर लाइन का एलिवेशन अभी 0 हो गया, मतलब रिमूव हो गया। अभी इसको जोड़ने के लिए आपको एक कमांड यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है पी एडिट। तो उसके लिए पी एडिट लिया, एंटर किया। अभी कोई भी एक लाइन को आप सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि ये कोई पॉलीलाइन नहीं है, इसको क्या आप पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यस ब्रैकेट में, तो आप यहाँ पे वाई और एंटर करेंगे। तो उसके बाद काफ़ी ऑप्शन आपके यहाँ पे है, तो आप इस ऑप्शन से आपको लेना है ज्वाइन करना, तो ज्वाइन का जे जैसे आपका कैपिटल में है तो आप फिर जे और एंटर करेंगे। उसके बाद आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन बोल रहा है, इस जगह पे आप पूरे लाइन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एंटर देंगे तो ये लाइन आपको ज्वाइंट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी और एक बार एंटर करेंगे कमेंट से बाहर आने के लिए। अभी इस लाइन को आप सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे ये आपको सारे कंबाइंड हो गया, एक पॉलीलाइन में कन्वर्ट हुआ। इसको देखने के लिए प्रॉपर्टीज में गए, इसका आप देखिए पॉलीलाइन कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे एलिवेशन जो है एलिवेशन इसका 0 बता रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्लोज इसका जियोमेट्री ए बी एस बोल रहा है। तो आपका पास जो 3D पॉलीलाइन था वो एक पॉलीलाइन और साथ ही साथ ये 2D पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपका पसंद आए और आपका हेल्पफुल रहे। थैंक यू।